हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बाउंटी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कोटक महिंद्रा का जो लेटेस्ट Q3 रिजल्ट आया है वो कैसा रहा और आगे के टारगेट और लेवल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले इंटरेस्ट अर्न। तो इंटरेस्ट अर्न पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आपको एक डाउनसाइड देखने को मिली है, जो है 0.38% की। बाद में नेट एनपीए देख लेते, नेट एनपीए में 0.04% की अपसाइड देखने को मिले, जो इसके लिए अच्छी बात नहीं होती। बाद में नेट एनपीए देख लिया तो ग्रोस एनपीए देख लेते, तो ग्रोस एनपीए में 0.14% की एक अपसाइड देखने को मिली, जो भी इसके लिए अच्छी बात नहीं होती है। बाद में नेट प्रॉफिट देख लेते, प्रॉफिट में आपको 7.46% की एक डाउनसाइड देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती। इन सिंपल हम पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो एक अच्छी बात नहीं दिखाई दे रही, ना तो इंटरेस्ट अर्न इंक्रीज हो रहा है, ना तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए भी इंक्रीज हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं होती। अब हम इसके ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अब हम आ चुके ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो आप इसमें इंटरेस्ट अर्न देखिए तो इसमें 7.76% की एक अपसाइड देखने को मिले। बाद में नेट एनपीएस की बात करें तो नेट एनपीएस में 0.18% की एक अपसाइड देखने को मिले, जो कि इसके लिए अच्छी बात नहीं होती। बाद में ग्रोस एनपीए देख ले तो ग्रोस एनपीए में 0.39% की एक अपसाइड देखने को मिली, जो भी इसके लिए एक अच्छी बात नहीं होती। बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको 23.62% की अपसाइड देखने को मिली है। तो इन सिंपल हम रिजल्ट कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से तो इसमें अच्छा नहीं आया हुआ, और ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो इसमें नेट एनपीए एंड क्रॉस एनपीए में आपको थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है कि इंटरेस्ट एंड जो नेट प्रॉफिट होता है वो सही है। तो इन सिंपल हम रिजल्ट देखे तो इतना अच्छा भी नहीं आया है। तो इसमें आपको क्या है कि चार्ट पे ही देखने को मिल गया, आज ये क्या है कि 5% जितना डाउनसाइड देखने को मिल गया। तो चार्ट पे भी देखते ये कितना और डाउनसाइड जा सकता है और कहां से आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या पोजिशनल के लिए, तो वो सब चार्ट पे देखते हैं। तो अब हम आ चुके कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट के ऊपर। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके सपोर्ट कौन से होंगे, क्योंकि अभी ये नीचे की साइड और जा रहा है, तो हम इसके पहले सपोर्ट देखेंगे। तो जो हमारा पहला सपोर्ट होगा वो होगा ये राइजिंग सपोर्ट लाइन। अभी ये राइजिंग सपोर्ट लाइन आई कहाँ से वो देख लेते। तो मैंने क्या किया, एक इधर से एक पॉइंट ज्वाइन किया, एक पॉइंट ये ज्वाइन किया, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट से अप जा रहा है। और इन फ्यूचर अगर ये नीचे आके इस लाइन के आसपास से, जो ये अप जाने वाली लाइन है, इस पे कोई सपोर्ट लेके अप जाने का चांसेस देता है, तब आप इसमें अपनी बाइंग बना सकते हो, लेकिन प्रॉपर अपसाइड के सिग्नल मिलने चाहिए। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा, आई थिंक ये दोनों पास ही आएंगे, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, तो इसको मैं पहला सपोर्ट भी बोल सकता हूँ, तो वो होगा 1550 का लेवल। अगर ये नीचे आकर 1550 का लेवल, जो ये लाइन है, अगर ये इधर से अपसाइड जाने का कोई सिग्नल देता है तब भी आप इसमें अपनी बाइंग बना सकते हो, लेकर देखना पड़ेगा आपको प्रॉपर अपसाइड सिग्नल मिलने के बाद ही कोई अपना बाइंग कर सकता। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों को ये ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो हमारा लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट होगा वो मेरे लिए होगा ये 1400 का लेवल। अगर ये नीचे आता है, उतना ज्यादा गिरावट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आ जाती है तो हमारा फाइनल सपोर्ट होगा 1400 का लेवल। अगर ये नीचे आके 1400 का लेवल पे जाके कोई प्रॉपर अपसाइड देता है तब आप अपनी इसमें क्या है कि बाइंग पोजीशन बना सकते हो। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, देखो कौन से लेवल पे क्या हो रहा है, अगर आपको कोई सही अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी लेवल पे तब आप अपनी वहां बाइंग पोजीशन बना सकते हो। तो ये था हमारे सपोर्ट कोटक महिंद्रा बैंक में। बाद में हमें रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका पहला रेजिस्टेंस यही होगा, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो होगा 1735 का लेवल। अगर ये 1735 का लेवल जाके फिर से कोई नीचे जाने का साइन देता है तब भी हम इसमें सेलिंग में आ सकते हैं, मतलब या तो अपनी पोजीशन कवर करो या तो सेलिंग में जा सकते हो। बाद में अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो बाद में जो हमारा क्या है कि नेक्स्ट एंड आखिरी रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन। ये थोड़े दूर की बात है, क्योंकि क्या है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हो सकता है ये थोड़ा नीचे भी जाए, बाद में इधर से अप जाए, लेकिन ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
कि ये मैंने क्या कि ये दो पॉइंट ज्वाइन करके बनाई है, अगर इन फ्यूचर ये ऊपर जाके इस लाइन के आसपास से कोई नीचे जाने का साइन देता है तब आप अपनी वहां प्रॉफिट बुकिंग या पोजीशन कवर कर सकते हो। तो ये हो गए हमारी ओर से कोटक महिंद्रा बैंक में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट होगा वो होगा 1550 का लेवल, अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो हमारा जो दूसरा एंड आखिरी सपोर्ट होगा वो 1400 का लेवल होगा। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं इसमें हाल फिलहाल के लिए एक ही रेजिस्टेंस रखूंगा, अगर लेवल की बात करें तो वो होगा 1735 का लेवल। अगर ये वहां जाके कोई नीचे जाने का साइन देता है तब आप अपना प्रॉफिट वहां बुकिंग कर सकते हो या तो सेल साइड जा सकते हो। तो अब हम क्या है कि एक बार RSI और MACD भी देख लेते हैं कि RSI एंड MACD चार्ट पे क्या बता रहे हैं। तो अब मैंने RSI एंड MACD लगा दिए और आप देखोगे तो RSI एक नोज डाउन नीचे जा रहा है, 37.60 का हाल फिलहाल का लेवल है। तो मैं मान सकता हूं कि नहीं ये और बियरिश जा सकता है, ओवरसोल्ड जोन में जाके फिर से अप मिल सकता है आपको, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वहां क्या हो रहा है। तो RSI का भी हाल फिलहाल का जो लेवल है वो 37.60 है। अगर मैं MACD की बात करूं तो MACD क्या दिखा रहा है वो देख लेते हो। तो हाल फिलहाल MACD एक नेगेटिव क्रॉस ओवर में ही है, अगर ये जीरो के लाइन के नीचे चला जाता है तो और आपको नेगेटिविटी इसमें देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में इसमें क्या आपको देखने को मिलता है। आई थिंक ये क्या है कि इस लेवल पे थोड़ा सा अप मूवमेंट आपको दे सकता है, देखिए वहां क्या होता है चार्ट में वो सब वगैरह, बाद में कुछ डिसीजन लीजिए, मतलब डिसीजन मतलब बाइंग लीजिए। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप मेरे को या किसी और को ब्लाइंडली फॉलो मत किया कीजिए, पहले देखिए उसको किसी को फॉलो करे वो अच्छी बात होती है, लेकिन देखिए आपको वहाँ कुछ पता चल रहा है तब आप वहाँ बाइंग या सेलिंग कीजिए, ऐसे ही कुछ ब्लाइंड ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।